अगर आपका पेपर टू में टारगेट है 80+ MCQs का, तो डेली वीडियो PDF नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करिए। मध्य मार्ग को अपनाइए। मध्य मार्ग का ये मतलब है, देखिए बहुत ज़्यादा जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा अगर कोई अमीर व्यक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि उसे सुख चैन नहीं होगा। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे वो भी ज़्यादा नुकसानदेह है, अगर आप बिल्कुल ही किसी से प्यार नहीं करोगे वो भी ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको मध्य मार्ग अपनाना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तो वो भी आपके लिए हानिकारक है, अगर आप बिल्कुल पढ़ते ही जाते हो तो वो भी ज़्यादा हानिकारक है। तो उसमें आपको मध्य मार्ग अपनाना है, आपको पढ़ना भी है, आपको साथ साथ अपने काम भी करने हैं, यानी कि ये हो गया मध्य मार्ग। यानी कि जो ज़रूरी काम है ये नहीं कि आप उसके पीछे लगे रहो, आपको साथ साथ बाकी भी काम करने हैं, तो यह है मध्य मार्ग। ठीक है, तो जीवन में अगर आप मध्य मार्ग अपनाते हो तो आपको कभी भी कोई भी दुख या कष्ट नहीं आएगा। तो ये गौतम बुद्ध ने कहा है बौद्ध धर्म में कि अगर आप मध्य मार्ग अपनाते हो तो इसमें आप सफलता पा सकते हो। अब देखिए जो बौद्ध धर्म है वो ज्ञान और करुणा का मध्य मार्ग है, यानी कि जो ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो करुणा है, ठीक है, उसका ये मध्य मार्ग। अब देखिए यहाँ पे तीन स्तंभ देख लेते क्या है। पहली बात है बुद्ध। बुद्ध क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक। दूसरा है धम्म। धम्म का मतलब है उनकी शिक्षाएँ। देखिए बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो धम्म को धर्म मान लेते हैं। ये धम्म जो धर्म नहीं था, धर्म क्या था, उनकी शिक्षाएँ जो गौतम बुद्ध ने दी थी। अब देखिए नेक्स्ट है संघ। संघ क्या है, बौद्ध भिक्षुओं और नन्नों का आदेश। तो ये तीन चीज़ें हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो एग्ज़ाम में सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए कि जो धम्म वो क्या है, वो शिक्षाएं हैं। धम्म धर्म नहीं है, धम्म शिक्षाएं हैं। तो चलिए देखें आगे। देखिए बुद्ध के जीवन की 5 महान घटनाएं और उनके प्रतीक, यानी कि बुद्ध का जो जीवन है उनसे जुड़ी जो 5 महान घटनाएँ कौन सी हैं और उनके प्रतीक क्या है। देखिए पहली बात है उनका जन्म। जो जन्म है वो किससे दर्शाते हैं, उनका प्रतीक क्या है, कमल और बैल। यानी कि अगर आप कहीं पे बौद्ध मंदिर में अगर आप कहीं जाएंगे तो अगर आपको वहाँ पे कमल और बैल की जो फ़ोटो दिखाई दे या कुछ दिखाई दे, प्रतीक दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए कि वो बुद्ध के जन्म की बात कर रहे हैं। उसके बाद महान जो त्याग है, यानी कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था तो वो दिखाते हैं अश्व से। अश्व का मतलब है यहाँ पर घोड़ा। तो यानी कि अगर वहाँ पर घोड़ा दिखाया जाता है तो वो दिखा रहे हैं कि बुद्ध घर से चले गए थे। उसके बाद निर्वाण। निर्वाण का मतलब है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होना। वो कहाँ पे हुआ था, बौद्धि वृक्ष से। यानी कि जहाँ पे बौद्धि वृक्ष दिखाया जाता है तो वहाँ पे ये बताया जाता है, उसका ये मतलब है कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें जो निर्वाण की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए जो उनका पहला उद्देश्य था वो धर्म चक्र या पहिया से दिखाया जाता है, यानी कि ये उनका प्रतीक है। अब देखिए जो पहिया है, पहिए से ये समझ जाना चाहिए कि जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था। अब नेक्स्ट है परिनिर्वाण या मृत्यु। अब देखिए जो उनकी जो डेथ है वो किससे दर्शाते हैं, स्तूप से। तो देखिए ये बुद्ध के जीवन से जो 5 महान घटनाएं हैं, जो उनके प्रतीक हैं, ये उनके जीवन से संबंधित हैं। तो आप ये जान सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताइए कि अगर बौद्धि वृक्ष दिखाया जाए कहीं पर तो वो क्या दिखाता है, वो दर्शाता है निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन ये आ सकते हैं। तो चलिए अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो बात करते हैं बुद्ध से। देखिए बुद्ध कौन थे, इसे शाक्यमुनि, यानी कि बुद्ध को शाक्यमुनि, जीना या तथागत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध का जो नाम था इनको शाक्यमुनि के नाम से भी जानते हैं, जीना के नाम से भी जानते हैं, तथागत का क्या मतलब है, जो सत्य पर पहुँच गया है उसके नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, नेपाल में लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे हैं, कपिल वस्तु के पास में। देखिए इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पहली बात इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। लुम्बिनी है जो नेपाल के कपिल वस्तु में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, वहाँ पे नेपाल भी लिखा जाता है। अगर वो ऑप्शन आ तो लुम्बिनी लिखा जाता है, अगर वो ऑप्शन आ तो कपिल वस्तु लिखा होगा, तो वो भी सही है। तो इनके पिता का नाम है शुद्धोधन, जो शक शासक थे। अब इनकी जो माता थी वो कोसला वंश की महामाया, कोसला वंश की थी वो। उनका जन्म हुआ था देखिए गौतम बुद्ध के जन्म के बाद, यानी कि जब उनकी जो माता थी, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद उनके माता का निधन हो गया, उनकी मौत हो गई, और उनकी जो परवरिश है उनकी सौतेली माँ गौतमी ने की। ठीक है, तभी देखिए गौतमी है ना, यहाँ पर माता गौतमी। अभी गौतमी से उनका नाम गौतम पड़ा, ठीक है, गौतमी से उनका नाम गौतम पड़ा, तो बाद में जाके वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं।
अब देखिए, जो बुद्ध की शादी जो है वो 16 साल की उम्र में हो गई थी, वो हुई थी यशोदरा से, और उनकी जो 13 साल तक उनका जो जीवन चला था, तो उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था राहुल, यानी कि इनकी वाइफ का नाम है यशोदरा, तो इनके बेटे का नाम है राहुल। इसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। अब देखिए, इन्होंने घर कैसे छोड़ा, यहाँ पे बात करते हैं। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक तपस्वी को देखने के बाद उन्होंने एक पथिक बनने का फैसला किया। अब देखें, यहाँ पे जो बुद्ध हैं, उन्होंने पहले एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक लाश को देखा, फिर एक तपस्वी को देखा, जिसके बाद उन्होंने पथिक बनने का फैसला किया। पथिक का मतलब होता है जो पथ दिखाने वाला, जो रास्ता दिखाने वाला। अब देखिए, इन्होंने यहाँ से ये देखा कि संसार में तो लोगों को दुख ही बहुत है ना, जीवन के देखे कई कई इन्होंने चीज़ें देखी हैं जो संसार से जुड़ी हुई हैं, तो जिनसे इनका जो मन था थोड़ा सा बदल गया। आप देखिए, एक राजा के बेटे होते हुए ये राजकुमार की ज़िंदगी बिता सकते थे, पर जो जीवन के सत्य जानने के लिए इन्होंने अपना जीवन जो है वो एक पति के रूप में बिताया। देखिए, सत्य की तलाश में 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने जो इनका जो सारथी और उनका जो पसंदीदा घोड़ा था कंथा का, उसके साथ महल को छोड़ दिया। अब देखिए, जो इनका महल छोड़ने वाला जो था उनको कहते हैं महाबिनिष्करण या महान त्याग। अब देखिए, जैसे बुद्ध अपना घर छोड़ रहे हैं 29 वर्ष की आयु में, तो उसे महाबिनिष्करण कहा जाता है, तो जिसे पहिए के रूप में दर्शाया जाता है। अब देखिए, ये 6 साल तक भटकते रहे, 6 साल तक भटकते मैंने कि जब ये 35 वर्ष के हो गए तब तक ये भटकते रहे, तो इनको सत्य की, जो परम सत्य की खोज नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले उन्होंने अलार कलाम क्या है, एक सन्यासी है, उसके साथ ध्यान लगाया। इनकी इनके जो पहले जो जो इनके शिक्षक थे, जो इनके फर्स्ट टीचर थे, वो कौन थे? अलार कलाम, ठीक है। लेकिन वह अश्वस्थ नहीं थे, मनुष्य मानसिक अनुशासन और ज्ञान से दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उनके अगले शिक्षक उद्रिका रामपुत्र थे। अब देखिए, जब इनके जो गुरु थे अलार कलाम, उनके साथ जब ये ध्यान लगाते थे, तब भी ये आश्वस्त नहीं थे कि मनुष्य का जो जीवन है वो अपने मानसिक अनुशासन को कैसे बनाए, अपने ज्ञान से दुख को कैसे मुक्ति प्राप्त कर सके। यानी कि ये चाहते थे कि जो इंसान है वो अपने आप को अनुशासन में कैसे रखे और दुखों से कैसे प्राप्ति करे, इसके बारे में इन्हें अभी तक कोई भी यहाँ पे जो बात नहीं पता चली थी, इनको ये सेटिस्फाई नहीं हुए थे, आश्वस्त नहीं हुए थे। अब देखिए, इसके बाद ये इनके जो शिक्षक थे वो थे उद्रिका रामपुत्र। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ बात नहीं बनी, तो इसके बाद ये 5 तपस्वियों के समूह में शामिल हो गए, जो थे कोंडाना, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी, ठीक है। ये 5 तपस्वियों के नाम हैं जिनके ग्रुप में ये समूह में शामिल हो गए थे, जो अपने कर्म को ख़त्म करने और अंतिम आनंद प्राप्त करने की आशा में सबसे कठोर आत्मोक्ष का अभ्यास कर रहे थे। अब देखिए, जब ये 5 तपस्वियों के साथ जुड़े, जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या था कि जब इन्होंने इनके साथ जब तपस्या वगैरह की, सब कुछ किया, तो इन्होंने कठोर जो है अपना जीवन बिताया। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने अंतिम जो आनंद है उसको प्राप्त करने, देखिए मनुष्य का अंतिम काम क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। इंसान का जो मानवीय जीवन है उसका आखिरी जो चरण है वो क्या है, इंसान जो है वो मोक्ष को प्राप्त करे। उसके बाद देखिए, इन्होंने यहाँ पे तपस्या की, यहाँ पे इन्होंने तपस्वियों के साथ जो तपस्या की, यहाँ पे देखा कि अपने कर्म को कैसे ख़त्म किया जाए और मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए, तो तब भी इन्हें यहाँ पर देखिए कि इतना कुछ यहाँ पे नहीं मिला। अब देखिए, 6 साल तक उन्होंने खुद पर अत्याचार किया, जब तक कि वह एक पैदल कंकाल के अलावा कुछ नहीं थे। अब देखिए, 6 साल भटकने के बाद कभी देखिए, ये इनके शिक्षक जो हुए थे, फिर ये तपस्वियों के साथ रहे, तो फिर भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इन्हें जो इंसान की जो जीवन की जो कहते हैं ना मुक्ति, वो कैसे पाया जाए, इसको ये प्राप्त नहीं हुआ, ना ही इन्हें ये पता चला कि इंसान का दुख जो है ज़िंदगी में क्यों आता है। तो इन्होंने खुद पर देखिए इतने अत्याचार किए, यानी अत्याचार का ये मतलब नहीं है कि इन्होंने, इसका ये मतलब है कि एक राजा का बेटा होते हुए राजकुमार की ज़िंदगी आसानी से जी सकते थे, पर फिर भी इन्होंने सन्यासी का जीवन बिताया। देखिए, लेकिन 6 साल बाद उन्हें लगा कि उनका व्रत और तपस्या बेकार हो गई है, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को त्याग दिया और 5 शिष्यों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। देखिए, जब इन्हें यहाँ पे भी लगा, देखिए पहले शिक्षक को उन्होंने छोड़ा, फिर दूसरे को छोड़ा, फिर 5 जो इनके जो तपस्वी थे उनको छोड़ा, इनको लगा कि मैंने इतनी देर इनके साथ तपस्या की है, सब कुछ किया, पर मुझे अभी भी जो मैं चीज़ पाना चाहता हूँ मुझे अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है, फिर उन्होंने 6 साल के बाद क्या है
उनको भी छोड़ दिया। अब इन्होंने यहाँ पे सोचा कि जो मैंने अब तक व्रत किए हैं, जो तपस्या किए हैं, वो सब कुछ बेकार हो चुका है, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने त्याग दिया। तो 5 शिष्य हैं उनको भी छोड़ दिया। अब देखिए 35 वर्ष की आयु में पीपल के पेड़ के नीचे मगध, जो आज का बिहार है, देखिए उस टाइम का मगध था, आज इसे बिहार के नाम से जाना जाता है, में उरेवला गया में निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि सीधी सी बात है कि इनको निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण मतलब कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बिहार के गया जी में। बिहार का पहला नाम क्या था, मगध। अब देखिए हिरण पार्क में सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जहाँ इनके 5 शिष्य बसे थे। यानी कि जो इनके 5 शिष्य थे, देखिए इन्होंने हिरण पार्क, जो डीर पार्क है, जो हिरण पार्क है सारनाथ में, तो इन्होंने वहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया, जहाँ पे इनके 5 शिष्य बने। उनके पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन या विधि का पहिए का मोड़ कहा जाता है। यानी कि जो इनका पहला उपदेश है उसे क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन, जो आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। मल्ला गणराज्य में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, ठीक है। उसके बाद देखिए कहा जाता है कि उनकी मृत्यु सुअर के मांस के भोजन से हुई थी, जिसे उन्होंने शिष्य अपने शिष्य शिवा के साथ पावापुरी ले गए। देखिए यहाँ पे शिवा नहीं है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे शिष्य का नाम कुछ और आएगा। अब देखिए सिंपल सी आपको यहाँ पे बात बताता हूँ कि इनका जो शिष्य था, उन्होंने उनको सुअर का मांस दिया, जिसको खाने से इनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा माना जाता है। अब इनकी मृत्यु हुई कहाँ पे थी, इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में, कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए इनके अंतिम शब्द क्या थे, इनके अंतिम शब्द थे, सभी मिश्री चीज़ें सड़ जाती हैं, पूरी लगन से काम करो। यानी कि ये कहता है कि जो भी चीज़ें हैं वो सभी सड़ जाती हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, तो पूरी लगन से काम कीजिए, अपना जो कर्म है वो करिए। यह उनका अंतिम, यह उनका अंतिम अलहना यानी कि परिनिर्वाण था, इनके अंतिम, उनकी अंतिम लाइनें थी। उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, उनकी राख, वो राख को विभिन्न आदिवासी समाजों के प्रतिनिधियों और मगध के राजा जाशत्रु के भी बांट दिया गया। अब देखिए जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई, जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उनकी जो राख थी उसे पहले तो आदिवासी समाज को दिया गया, उसके प्रतिनिधियों को दिया गया, तो बाकी जो एक हिस्सा था उनकी राख का, वो मगध के राजा अजातशत्रु के बीच बांट दिया गया। तो एग्ज़ाम्स में देखिए यहाँ से काफ़ी स्मार्ट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी, उसका अंतिम संस्कार के बाद उनकी जो राख थी वो किस राजा को दी गई थी, वो थे अजातशत्रु। तो बाकी जो था वो हिस्सा दे दिया गया था आदिवासी समाज को, तो एक हिस्सा दिया गया था अजातशत्रु को। तो अब बात करेंगे यहाँ पे धम्म की, धम्म क्या है, देखिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ, धम्म कोई धर्म नहीं है, धम्म जो है वो उनकी शिक्षाएं को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इनके जो 4 महान सत्य हैं, 4 महान सत्य क्या है, देखिए दुख, यानी कि संसार दुखों से भरा पड़ा है, दुख और विपत्ति से भरा है संसार। अब देखिए सभी दुख और दर्द का कारण इच्छा और लगाव है, यानी कि संसार में दुख है, दुख का क्या है कारण, कारण क्या है, इच्छा और लगाव। आप देखिए अगर आप किसी चीज़ से कोई इच्छा करते हैं, लगाव लगाते हैं, है ना, तो अगर आपकी वो बात पूरी नहीं हो पाई या किसी से आपने लगाव लगा लिया तो वो आपसे दूर चला जाए तो आपको दुख होगा। तो ये कहते हैं कि संसार में जो दुख है वो दुख तो है ही है, उसका कारण क्या है, इच्छा और लगाव। अब इच्छा को मारने या नियंत्रण करने से दुख और दुख को समाप्त किया जा सकता है। अब इनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर हमें दुख को हटाना है तो पहले हमें जो दर्द है दुख को उसे नियंत्रित करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका रास्ता क्या है, 8-फोल्ड पाथ यानी कि 8 पथ का अनुसरण करके इच्छा को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण क्या है, 8 पथ। देखिए गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, देखिए उन्होंने ये कहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, दुनिया का हर इंसान बुद्ध बन सकता है अगर वो इन 8 रास्तों पर चले जो बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं। दुनिया का हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है बशर्ते उन्हें इस 8 जो 8-फोल्ड पाथ है 8 रास्ते पे चलना है। अब देखिए 8 पथ क्या है, यहाँ पे देखिए इन्हें अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। पहला देखिए बुद्धि, फिर दूसरा है नैतिक अनुशासन और तीसरा मानसिक अनुशासन। बुद्धि की बात करें, यहाँ पे बात करते हैं कि सही विश्वास और सही विचार, यानी कि आपकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सही विश्वास हो और सही विचार हो। आपका विश्वास सही होना चाहिए और आपका विचार जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। नैतिक अनुशासन की बात करें, यहाँ पे देखिए तो सही कार्य, सही आजीविका और सही पाषण, यानी कि आपका कार्य जो है वो नैतिकता पूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो सही कार्य करने चाहिए, सही आजीविका होनी चाहिए आपकी, और आपकी जो भाषा है, जो आपका भाषण है, वार्तालाप है,
तो वो सही होना चाहिए। मानसिक अनुशासन की बात करें तो यहाँ पर सही प्रयास, सही स्मरण और सही एकाग्रता। तो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये 8 पार्ट हैं, या आपको ये बस 8 जो रस्ते फॉलो करने हैं जिसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है। इन्हीं रस्तों पर चल के दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है वो बुद्ध बन सकता है, पर इन रस्तों पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए जो ये संसार है इन रस्तों पर चल नहीं सकता। तो आप किसी का भी प्रवचन सुनेंगे तो आपको यही चीज़ें बोली जाएंगी, पर उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए निर्वाण में विश्वास। अब उनका देखिए निर्वाण में विश्वास था, जब इच्छा समाप्त हो जाती है तो पुनर्जन्म बंद हो जाता है और निर्वाण प्राप्त होता है, अर्थात 8 पद का अनुसरण करके जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका लाइन का मतलब क्या है, देखिए बहुत गहराई से इसका मतलब है। यहाँ पर ये बताया गया है गौतम बुद्ध ने यहाँ पर एक बात कही है कि जो इंसान है वो पुनर्जन्म लेता है। उसका कारण क्या है कि जो उसकी इच्छाएं हैं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उसके कुछ काम अधूरे रह जाते हैं जिसको पूरा करने के लिए उन्हें दूसरा जन्म, मनुष्य को दूसरा जन्म लेना पड़ता है। अगर वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर ले, अगर वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले तो उससे वो है उसका पुनर्जन्म बंद हो जाएगा, उसे निर्वाण की प्राप्ति होगी यानी कि उसे मुक्ति प्राप्त होगी, जिससे वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट है बुद्ध के अनुसार आत्मा एक मिथक है, यानी कि जो बुद्ध हैं वो कहते हैं कि जो आत्मा है वो मिथक है पूरी तरह से, ये सब झूठ है। नेक्स्ट अहिंसा में विश्वास। वो देखिए कहते हैं कि किसी प्राणी, जानवर या आदमी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कर्म का कानून, यानी कि मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पे कर्म का कानून आया है, कहते हैं कि जो इंसान सुख या दुख भोगता है वो उसके पिछले जन्म का फल है, ये मानना है बुद्धिज्म में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे बात आती है बहुत, यहाँ पे बात आती है संघ की। अब देखिए संघ कैसे कहते हैं, भिक्षुओं और नन्नों से मिलकर जो बनता है संघ। भिक्षुओं ने धम्म के मशाल वाह के रूप में काम किया। अब देखिए मशाल वाहक क्या है, आप देखिए कि जब जैसे मशाल होते हैं लकड़ी का डंडा होता है इसके ऊपर जो आग जलाई जाती है, तो जैसे उसे कोई व्यक्ति पकड़ के आगे जाए तो जहाँ पे अंधेरा होगा वहाँ पे उजाला हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा इस लाइन का ये मतलब है कि जो भिक्षु है, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उन्होंने जो मशाल वाहक के रूप में काम किया है, यानी कि बौद्ध के बाद या बुद्धिज्म के बाद देखिए जो धर्म का प्रचार है वो बौद्ध भिक्षु ही करते हैं, उन्हें सही जगह फैलाते हैं। अब देखिए संघ के अलावा उपासक उपासक कहलाते हैं। देखिए जो संघ के अलावा जो उनके उपासक थे वो उपासक कहलाएंगे, यानी कि जो, अगर आप ये मानिए कि जो बुद्ध धर्म को मानते हैं उन्हें उपासक कहा जाता है। डेथ हो गई थी तो उसके बाद क्या था कि बौद्ध संगति कराई गई, तो इसके बारे में जानेंगे हम। इसका एक जो भाग एक है वो मैं कल डाल चुका था, आज इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। देखिए बुद्ध की मृत्यु के बाद भिक्षु 4 बार इकट्ठा हुए और इन घटनाओं के प्रभाव से बौद्ध धर्म पर उनका प्रभाव पड़ा। यानी कि जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई उसके बाद जो बौद्ध संगति हुई थी, ये क्यों हुई थी कि ताकि जो बुद्ध की जो रचनाएं थी जो उससे संबंधित था उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए। अब देखें यहाँ पे प्रथम जो परिषद हो रही है, देखें यहाँ पे सबसे पहले दो ही बातें इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। पहले तो ये इसका सन है, ये कब हुई थी, उस समय राजा कौन था, और बौद्ध संगति की तरफ से उसका, बौद्ध की तरफ से उनका अध्यक्ष कौन था, तो ये आपको ये याद रखना है। अब देखिए राजगृह में 483 ईसा पूर्व में महक सपा कौन है, ये अध्यक्ष थे बौद्ध संगति के, और उस समय राजा कौन थे, राजा अजातशत्रु। ठीक है, अब देखिए राजा अजातशत्रु की अध्यक्षता में, सॉरी यहाँ पे महक सपा की अध्यक्षता में उस समय राजा अजातशत्रु थे, ये 483 ईसा पूर्व में प्रथम परिषद हुई थी। बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में विभाजित किया। अब देखिए जो बुद्ध की शिक्षाएं थी इनको 2 भागों में विभाजित किया गया, 2 पिटक में, एक था विनय पिटक एक था सुत पिटक। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कि जो विनय पिटक है सुत पिटक है ये कब 2 भागों में बटा, तो ये 483 ईसा पूर्व में 2 भागों में बटा। अब देखिए उपाली ने विनता पिटक का पाठ किया और नंद ने सुत पिटक का पाठ किया, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये याद रखिए यहाँ पे कि ये कब हुआ था, कौन इसके अध्यक्ष थे, कौन राजा थे और कौन से 2 भागों में बंटा था। दूसरी जो परिषद है वो ही थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, यानी कि जब पहली काउंसिल थी, जब पहली परिषद थी उसके ठीक 100 साल बाद। अब देखिए यहाँ पे कौन है, सबकामी कौन है, ये बुद्ध संगति की तरफ से अध्यक्ष हैं और राजा थे उस समय शिशुनाग वंश के काल अशोक, यानी कि उस समय राजा थे दूसरी काउंसिल में जो राजा थे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि दूसरी परिषद में राजा कौन थे, तो वो थे काल अशोक। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे,
बहुसंगति में समकामी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, महासंघिका में विभाजित किया गया, जो अनुयायियों को महासंघिका में विभाजित किया गया। आपको यहाँ पे यही बात याद रखें कि राजा कौन था, कब हुआ था और बहुसंगति का अध्यक्ष कौन था, तो यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरी परिषद में देखिए पाटलिपुत्र में होती है ये 250 ईसा पूर्व में। अब देखिए इसमें जो अध्यक्ष हैं वो है मोगलीपुत्र तीसा, ठीक है, और राजा है अशोक। इसमें त्रिपिटक के तीसरे भाग को पाली भाषा में कोडित किया गया था, तो आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए चौथी परिषद है वो हिंदी कश्मीर में जो 72 ईस्वी में हुई थी, तो जो बौद्ध संगति है उसके अध्यक्ष थे वासुमित्र और राजा थे कनिष्क। देखो इसको आसान है याद रखना राजा का नाम। देखिए चौथी परिषद हुई थी कश्मीर में, क से कश्मीर, क से कनिष्क, राजा थे कनिष्क। अब देखिए उपाध्यक्ष कौन थे इसके, अश्व घोष। तो अध्यक्ष कौन थे इसके, यहाँ पे वासुमित्र, बौद्ध संगति की तरफ से कौन थे, वासुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्व घोष। अब देखिए महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि जो चौथी परिषद जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि जो हीनयान महायान में जो बौद्ध संगति हुई थी ये कब हुई थी, या जब बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बटा था, दो संप्रदाय में बटा था, वो कौन सी परिषद में था, उस समय राजा कौन थे, ऐसे करके। अब देखा महायान क्या है, महायान में क्या है, यहाँ पे मूर्ति पूजा होती है और यह चीन, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान, तुर्की और अन्य दक्षिण पूर्वी देशों में लोकप्रिय हो गया। हीनयान क्या है, ये मगध और श्रीलंका में लोकप्रिय हो गया, यह व्यक्तिगत मुक्ति में विश्वास करता था और मूर्ति पूजा में नहीं। यानी कि यहाँ पे दो भागों में बट गया, एक तो बुद्ध को भगवान मानते थे और हीनयान वाले बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि कौन बुद्ध की मूर्ति पूजा करता था, उन्हें क्या कहते थे, उन्हें महायान संप्रदाय से संबंधित लोग थे। मूर्ति पूजा में देखिए म से महायान, म से मूर्ति पूजा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए महायान में मूर्ति पूजा हो रही है, हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है। देखिए गौतम बुद्ध ने खुद भी कहा था, मैं पहले भी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, गौतम बुद्ध ने खुद कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ, दुनिया का हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है उसे अगर वो 8 पथ पर चले। दुनिया का कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है अगर वो 8 रस्तों पर चले, जो कि चलना बहुत कठिन है। इन दोनों के अलावा वज्रयान नामक तीसरा वाहन जो 8वीं शताब्दी में दिखाई दिया और बिहार और बंगाल में तेजी से बढ़ा। अब देखिए हम दो ही कहते हैं ना, हीनयान महायान। अब देखिए आप किसी बुक में पढ़ेंगे आपको हीनयान महायान ही बताया जाएगा, पर आपको मैं इसमें बता रहा हूँ कि वज्रयान भी तीसरा वाहन था जो 8वीं शताब्दी में था बिहार और बंगाल में, ठीक है। वे आहार ज्ञातों में एक निषेध के रूप में मांस, फिश यानि कि मछली, तो वाइन आदि का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे फ्रेंड्स इस्तेमाल आएगा, इलाज लिखो गया गलती से, इस्तेमाल नहीं करते थे, वो स्वतंत्र रूप से उनका सेवन करते थे। अब देखिए यहाँ पे वो मांस मछली का उपयोग नहीं करते थे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि हीनयान महायान के अलावा तीसरा वाहन कौन सा है, तो वह है वज्रयान जो बिहार और बंगाल में तेजी से बढ़ा। बस है बिहार बस है बंगाल। देखिए पांचवीं परिषद, अब यहाँ पे हमने देखे चार ही परिषद पढ़ी है, कोई भी देखें बुक आपको चार ही परिषद मिलेंगे वहाँ पे। पांचवीं जो परिषद है वो हुई थी 1871 में, 1871 में मांडले का है बर्मा में, बर्मा को देखिए आजकल म्यांमार कहा जाता है, और राजा मिंडन के शासन में थेर और भिक्षुओं की दक्षता में हुआ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि जो मैं जिसको हाईलाइट करता हूँ, कलर करता हूँ, जिसको बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा। देखिए छठी परिषद हुई है 1954 में, यानी कि 1954 में, 1954 में, तो ये यंगून के काबा आय में हुआ था। ये बर्मी सरकार द्वारा प्रायोजित थी। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि ऐसी कौन सी बौद्ध जो संगति की परिषद थी जिसे बर्मी सरकार ने प्रायोजित करवाया था, ठीक है। देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन कितना है, कितना कठिन प्रश्न है। देखिए दुनिया का हर प्रश्न कठिन तब होता है अगर आपको वो नहीं आता, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा हो, आपको एग्जाम में आ जाए, तो आपको आसानी से आप कर सकते हो। देखिए बुद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म कैसा था, ठीक है। देखिए बौद्ध के बाद बुद्ध धर्म की बात करें तो कैसा था,
देखिए, सभी धार्मिक अवशेषों में से 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी तक अब तक भारत में खोजे गए हैं, और जो बौद्ध धर्म के लोग किसी भी अन्य धर्म अर्थात हिंदू धर्म, जैन धर्म आदि के साथ मिलकर करते थे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था कि जो 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी यानी कि जो ये 400 साल है, अगर हम भारत में ये 400 साल की बात करें तो जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो अन्य जाति जैसे हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, उनके साथ मिलकर रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो बौद्ध वाले अलग रहते थे बाकी अलग रहते थे, तो सभी मिलजुल कर रहते थे 400 सालों में। देखिए 7वीं शताब्दी में हयन सांग जो चीनी यात्री था ने पाया कि जो हीनयानवाद है वो भारत के अधिकांश हिस्सों से विलुप्त हो चुका है, लेकिन वो केवल पश्चिमी के हिस्सों में ही पनप रहा है। अब देखिए हीनयानवाद क्या है, हीनयान जो बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, उसकी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, तो हयुन सांग ने ये देखा कि ये भारत के अधिकांश भागों से हट चुका है, ये केवल पश्चिमी भागों में ही है। कौन सा पश्चिमी भाग? भारत का ही पश्चिमी भाग। देखिए 6वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी ईस्वी में हून राजा मेहरकुला ने मठों को नष्ट कर दिया और भिक्षुओं को मार डाला। देखिए जो हून के राजा थे मेहरकुला, उन्होंने 6ठी शताब्दी में क्या किया, जो मठ थे बौद्ध धर्म के उनको नष्ट कर दिया और कई भिक्षुओं को मार डाला, क्योंकि देखिए वो नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म आगे बढ़े। 7वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में कन्नौज पर हमले के बाद के दौरान बंगाल के एक कट्टर शैव राजा शशांक ने गया में वृक्ष की विजय को लगभग नष्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो 7वीं शताब्दी थी उसकी शुरुआत में क्या हुआ कि जब कन्नौज पे हमला हुआ तो एक कट्टर शैव राजा थे शशांक, उन्होंने क्या किया, जो गया में जो बौद्ध वृक्ष है उसे नष्ट करवा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंत में लिखित शास्त्र दुर्लभ थे और तीर्थयात्री फाहयान को विनय पटक की प्रति खोजने के लिए कड़ी मेहनत की गई थी। अब देखिए 5वीं शताब्दी के अगर हम मध्य की बात करें तो यहाँ पे क्या था, अगर हम 5वीं शताब्दी के अंत की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, कोई लिखित शास्त्र नहीं था। देखिए पहले ही जब हमले हुए थे काफ़ी बौद्ध साहित्य मिटा चुके थे, हटा चुके थे, तब इसको जो बौद्ध धर्म के बारे में लिखा जाना, जो लिखा हुआ था वो मिलना मुश्किल था। जो तीर्थयात्री हयुन सांग था, जो फाहयान था, ठीक है, जो तीर्थयात्री फाहयान था उसको देखिए बहुत मुश्किल हुई थी विनय पटक को खोजने में। ठीक है, विनय पटक की प्रति खोजने में बहुत ज़्यादा से दिक्कत आ गई थी। तो फ्रेंड्स अगला करते, देखिए बौद्ध साहित्य, देखिए पाली भाषा में बौद्ध साहित्य को आमतौर पर त्रिपिटक अर्थात थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है इसे, त्रिपिटक या थ्री फोल्ड बास्केट। देखिए बौद्ध साहित्य में क्या है, विनय पटक बौद्ध मठों के अनुशासन के नियम है। देखिए विनय पटक में क्या है, जो बौद्ध मठ हैं उनमें अनुशासन के नियम है कि कैसे कैसे अनुशासन वहाँ पे होता है, तो ये किस में दर्ज है, विनय पटक में। शुद्ध पिटक देखिए सबसे बड़ा है, इसमें क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है वो किस में है, वो है शुद्ध पिटक में। उसके बाद अभिनंदन पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है, तो क्वेश्चन पूछेंगे बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या कौन करता है, अभिनंदन पिटक। अब देखिए महायान और दीपवामा अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं जो वे तत्कालीन श्रीलंका के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जातक बुद्ध के विभिन्न जन्मों के बारे में दंत कथाएं, अब देखिए जो जातक हैं वो क्या है, वो दंत कथाएं हैं बौद्ध के जीवन के बारे में। देखिए बौद्ध उपदेशों के मूल तत्व धम्म चक्र पावटन सूत्र में निहित है। अब देखिए जो बौद्ध धर्म है वहाँ पे क्या है, जो धर्म चक्र, जो धम्म चक्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, उपदेश है। बनारस में बुद्ध ने अपने तीर्थ शिष्यों के यश खाया, इसमें चार महासत्य हैं, कुल 8 पाथ हैं, जिसमें सभी बौद्ध संप्रदायों द्वारा बुनियादी श्रेणी के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बौद्ध उपदेश हैं, ठीक है, वो धम्म चक्र में हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जब बुद्ध ने पहली बार जो प्रवचन दिया था वो भी इसमें दर्ज है, उसके बाद जो है इसके जो महान, जो चार महासत्य हैं, जो 8 पथ हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और देखिए मुख्य महायान ग्रंथों में ललित विस्तार है जो बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस परीक्षण का उपयोग सर एडविन अरनॉल्ड द्वारा द राइट ऑफ इशर के लिए किया गया था, जो बुद्ध के जीवन पर एक लंबी कविता थी जिसने पिछली शताब्दी के में बहुत लोकप्रियता हासिल की। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सर एडविन अरनॉल्ड थे उन्होंने द लाइट ऑफ एशिया के लिए बुद्ध के जीवन के देखे ऊपर क्या है एक लंबी कविता, जो एक लंबी कविता है बुद्ध के जीवन के ऊपर जिसे कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, इसका प्रयोग किसने किया था, इसका किया था सर एडविन अरनॉल्ड ने, ठीक है,
जो काफ़ी चर्चित हुई थी। अब देखिए लास्ट करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। अब देखिए बौद्ध धर्म खत्म होने का कारण क्या था। देखिए इसमें ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों और समारोह जैसे कि मूर्ति पूजा, आग के आधे आदि के आगे देखिए घुटने टेक दिए, जिसे बौद्ध धर्म ने पहले नकार दिया था। अब देखिए बौद्ध धर्म ने जिसको मना किया था कि हिंदू धर्म में होता था ना, जैसे कि मूर्ति पूजा नहीं करना और कोई अनुष्ठान नहीं करना क्योंकि वो बहुत कठिन होते थे। अब देखिए बौद्ध धर्म में जिसको मना किया गया था तो बाद में वही चीज़ें निकल के सामने फिर से आ गई, जिससे क्या है बौद्ध धर्म के पतन होने का कारण बन गया। 9वीं शताब्दी के बाद शंकराचार्य के उपदेश के बाद सुधारित हिंदू धर्म का पुनरुद्धार। अब देखिए जब शंकराचार्य आए 9वीं शताब्दी के बाद, तब क्या था कि जो हिंदू धर्म था वो फिर से आ गया, जिससे क्या था बौद्ध धर्म कम हो गया। संस्कृत का उपयोग पाली के स्थान पर बुद्धिजीवियों की भाषा, आम लोगों की भाषा। अब देखिए संस्कृत का उपयोग प्रयोग किया गया यहाँ पे पाली के स्थान पर, पहले पाली भाषा में था फिर बाद में से संस्कृत भाषा में करवाया गया। ठीक है, बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के बीच नैतिक मानकों में गिरावट। देखिए जो बौद्ध मठों में जो भिक्षु रहते थे उनका भी रहने में स्तर में काफ़ी गिरावट आ गई थी। 6वीं शताब्दी में हुन राजा मेहरकुला और 12वीं शताब्दी में ईस्वी में तुर्की आक्रमणों के हमले जो 13वीं शताब्दी तक जारी रहे। अब देखिए 6वीं शताब्दी में मेहरकुला ने हमला किया, 12वीं शताब्दी में तुर्कों ने हमला किया, तो इससे क्या था बौद्ध जो है जो साहित्य का भी ख़त्म हो गया, तो जिससे क्या है बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। तो फ्रेंड्स ये थे बौद्ध से जी धातु से, तो जी का मतलब क्या है जीतना, जिन माने जीतना जीतने वाला, जी का मतलब क्या है जीतना, जिनका मतलब क्या है जीतने वाला। अब देखिए जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया और अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान को पाकर सर्वज्ञ अपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन आपत पुरुष को जिनेश्वर या जिन कहते हैं। अब देखिए जिनका क्या मतलब है, जिन्होंने अपना मन जीत लिया, इनके मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, होता ना ऐसे कि मन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अपनी वाणी को जीत लिया, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है, अपनी काया को जीत लिया इनकी जो अपना काया है ना, जो ऐसे आपका जो शरीर है उसको जीत लिया, ठीक है, तो उसे कहते हैं जिन। अब देखिए जीतना ऐसे नहीं है कि जीत लिया, ऐसे नहीं है, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना पूरी तरह से। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म, जैन धर्म का क्या है कि जो जिन है वो भगवान का धर्म है। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत था। जैन दर्शन में सृष्टिकर्ता कर्ण कर्ण स्वतंत्र है और इस सृष्टि का या किसी जीव का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैन धर्म को ईश्वर कर्ता नहीं भोगता नहीं, वो तो जो है सो है। जैन धर्म से ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया। अब देखें यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि पहली बात तो जो जैन धर्म है वो अहिंसा के पुजारी थे, वो अहिंसा करते, ठीक है, अहिंसा के पक्ष में थे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये नहीं माना जाता था कि जो जो धर्म है यानी कि जो जो दुनिया है उसको बनाने वाला कोई भगवान है या कोई परमात्मा चला रही है, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, ऐसा नहीं माना जाता। ये कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, हर एक छोटा से छोटा जो कण है, कोई भी छोटा कण है उसमें क्या है आत्मा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया को कोई ईश्वर चला रहा है। तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में कोई ईश्वर किसी को नहीं चला रहा। जैन धर्म में जिन या अरिहंत और सिद्ध को ईश्वर मानते हैं। जैन धर्म में क्या है अरिहंत और सिद्ध को क्या मानते हैं ईश्वर। जैन धर्म में देखिए 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। अब देखिए जो पहले 22 तीर्थंकर थे उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता, उनका कोई साहित्य नहीं, उनके बारे में हमें कोई, देखिए उनके बारे में कोई स्टोरी नहीं पता चलती, ठीक है, कोई कहानी हमें उनका कोई इतिहास नहीं पता चलता पहले 22 के बारे में। जो 23 और 24 इनके जो महावीर हैं और, ठीक है, जो पार्श्वनाथ हैं उनके बारे में पता चलता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे महावीर, वर्धमान महावीर के बारे में। अब देखिए उनका जन्म कुंड ग्राम, ठीक है, कहाँ पड़ता है मुजफ्फरपुर बिहार में, 599 ईस्वी ईसा पूर्व, पिता सिद्धार्थ ज्ञान का वंश के प्रमुख थे। अब देखिए इनका जो जन्म था वो मुजफ्फरपुर बिहार के कुंड ग्राम में हुआ 599 ईस्वी ईसा पूर्व में, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब इनकी माता जो थी वो लिच्छवी राजकुमार की बहन त्रिशला थी, इनकी इनके माता का नाम क्या था त्रिशला था। महावीर का संबंध देखिए बिंबिसार से था। यशोदा से शादी
की और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, और जिसका पति जमाले उसका उग्र अनुयायी था। यहाँ पे अनुयायी आएगा, अनुशासन लिखोग गया तो आप इसे सही कर लेना। अब देखिए यशोदा से इनकी शादी है, इनकी इनकी वाइफ थी इनका नाम था यशोदा, इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना। अब जो इनके इनकी बेटी के जो पति थे जो जमाली जिनका नाम था वो इनके पहले जो थे वो अनुयायी बने। तो फ्रेंड्स देखिए 30 की उम्र में उनके माता पिता के मृत्यु के बाद वह तपस्वी बन गए, यानी कि महावीर जो थे वो 30 की उम्र में तपस्वी बने। अब देखिए 29 वर्ष की आयु में कौन बने थे, गौतम बुद्ध। अब 30 वर्ष की आयु में कौन बने हैं, वर्धमान महावीर। ठीक है, अब देखिए अपने तपस्वियों के 13वें वर्ष में झांबी ग्राम शहर, या मैं ग्राम दो बार है, झांबी ग्राम शहर के बाहर उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, सर्वोच्च स्थान इनकी कविल्या। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा है कि देखिए बौद्ध धर्म में अगर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसे कहते हैं निर्वाण, वही देखिए ज्ञान की प्राप्ति अगर जैन धर्म में हो रही है उसे कहते हैं कविल्या। तो आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब से उन्हें जैन या जितेंद्र या जिनेन्द्र और महावीर के और उनके न्यायी कहा जाता था और जैन नाम दिया गया। अब देखिए यहाँ से उन्हें क्या है, जैन नाम दिया गया। उन्हें अरिहंत यानी योग्य की उपाधि भी मिली। अब देखिए अरिहंत या योग्य की उपाधि मिली। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है अरिहंत की उपाधि किसे मिली है, वो मिली है महावीर जैन को। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के पास पावा में मृत्यु को प्राप्त किया। अब देखिए 527वीं में उनकी डेथ हो रही है, कहाँ पे हो रही है, पटना के पास पावा में। ठीक है, महावीर की मृत्यु के बाद राजा चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान एक गंभीर अकाल के कारण गंगा घाटी से दक्कन तक जैन भिक्षुओं के महान पलायन हुए। अब देखिए राजा जब चंद्रगुप्त राजा थे उसके शासनकाल के दौरान क्या हुआ कि एक अकाल पड़ गया, गंभीर अकाल पड़ गया। तो हुआ क्या कि गंगा घाटी से लेकर दक्षिण तक, दक्कन तक, डेक्कन का जो एरिया है, गंगा घाटी से लेकर डेक्कन तक का जो एरिया है, वहाँ से जैन भिक्षुओं के काफ़ी मात्रा में वहाँ से पलायन हो गया। ठीक है, अब देखिए जहाँ उन्होंने अपने विश्वास के केंद्र स्थापित किया। अब देखिए विश्वास के केंद्र, विश्वास का केंद्र ऐसा है कि जैनिज्म की वहाँ पे वो स्थापना कर रहे हैं कि लोगों उसके बारे में बता रहे हैं। इस प्रवास के कारण जैन धर्म में एक महान विद्वान हुआ भद्रबाहु, जिन्होंने नेत्रदव किया। प्रवासियों ने उस नगंता के नियम के प्रतिधारण पर जोर दिया जिसे महावीर ने स्थापित किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो भागों में बटा, देखिए महावीर की जब डेथ हो जाती है तो जो जैन धर्म है दो भागों में बटता है। ठीक है, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। अब देखिए जो दिगंबर हैं, ठीक है, जो दिगंबर हैं यानी कि वो जो कपड़े नहीं पहनते, अब इनके जो गुरु थे वो कौन थे, वो थे भद्रबाहु, यानी कि भद्रबाहु थे वो दिगंबर की साइड पे थे। और देखिए उत्तर में बने रहने के लिए भिक्षुओं के नेता थे शतूल भद्र, यानी कि जो शतूल भद्र थे वो अपने अनुयायियों को सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए कहते थे, भद्रबाहु अपने अनुयायियों को कपड़े पहनने के लिए नहीं कहते थे। ठीक है, यानी कि दिगंबर के हुए भद्रबाहु और श्वेतांबर के हुए स्थूल भद्र या स्थूल भद्र। ठीक है, श्वेतांबर और स्थूल भद्र, आप इसे ऐसे याद कर लीजिए। देखिए दो भागों में बट गया श्वेतांबर और दिगंबर। अब देखिए महावीर की शिक्षाएं के बारे में बात करेंगे। वेदों के अधिकार को समाप्त कर दिया, बलि के प्रदर्शन को कोई महत्व नहीं दिया गया। उनका मानना था कि प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटे कण भी आत्मा होती है और आत्मा है और होती है चेतना से उत्पन्न। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो महावीर की शिक्षाएं थी तो वो देखिए सबसे पहले वेदों के खिलाफ थी। अब देखिए जो वेदों में इतने कड़े नियम थे उसके बाद से क्या है, जो जैन धर्म निकल गया है, बौद्ध धर्म निकल गया है, जिन्होंने जो हिंदू धर्म था यानी कि जो वेद थे जिसमें जो कुछ लिखा गया था तो उसे काफ़ी कम कर दिया था। ठीक है, क्योंकि देखिए वेदों में जो लिखा था उसे जो उसका पालन करना बहुत कठिन था, तो जो जैन धर्म था बौद्ध धर्म था इसे पालन करना इतना कठिन नहीं था, इसलिए यह प्रसिद्ध होने शुरू हो गया। अब देखिए इनका यह मानना था कि प्रत्येक जो वस्तु है इसमें चाहे सबसे छोटी वस्तु है उसमें भी आत्मा होती है और आत्मा किससे उत्पन्न होती है, चेतना से संपन्न होती है। इसलिए वे सख्त अहिंसा का पालन करते जैन सार्वभौमिक आत्मा या एक सर्वोच्च शक्ति की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं जो ब्रह्मांड के निर्माता है अनुचर है। अब देखिए जैनों का यहाँ पे क्या है, पहली बात तो जैन अहिंसा का पालन करते हैं, ये कहते हैं कि संसार में कोई ऐसी सर्वोच्च शक्ति नहीं है कि जिन्होंने संसार को बनाया है। जैसे होते ना कि संसार में सारी आत्माएं हैं, अब कोई परमात्मा नहीं है कि जो संसार को चलाए, ना ही कोई ऐसी सर्वोच्च शक्ति है
की जो संसार को चलाती है, यानी कि इनका यह मानना था कि संसार को चलाने वाले कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं है। जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व से इनकार नहीं करता, लेकिन सार्वभौमिक योजनाओं में देवताओं को कोई महत्वपूर्ण हिस्सा देने से इनकार करता है। अब देखिए, जैन धर्म में ये बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि आप देवता को मत मानिए, क्योंकि देवता है ही नहीं, ना ही आप देवता को मानिए, देवता होते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि हमें सब कुछ देवताओं को ही समर्पित नहीं करना चाहिए कि सब कुछ देवताओं ने ही किया है। वो कहते हैं कि आप ज़रूर है उन्हें मानिए, ज़रूर मानिए, पर ऐसा मत कहिए कि देवताओं ने ही सब कुछ किया है इसलिए, ठीक है। तो देवों को जीना से नीचे रखा गया। अब देखिए, जीना कौन है जो जैन धर्म के सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो अब जो देवता हैं उन्होंने जीना से नीचे रखा है। देखिए, जैन परिषदें, आपको याद होगा कि बौद्ध धर्म में भी परिषद हुई थी, ठीक है। अब देखिए, जैन धर्म की परिषद हुई है, ये परिषद कब हो रही है, उनकी डेथ के बाद, ठीक है। चाहे बौद्ध धर्म चाहे जैन धर्म हो, जब उनकी डेथ हुई थी तब तो उनके बाद क्या है, जैन परिषदें हुई हैं। एक जैन परंपरा के अनुसार महावीर के दिनों से एक मौखिक पवित्र साहित्य को पारित किया गया था, लेकिन भद्रबाहु से जाने के लिए अन्य व्यक्ति थे। अब देखिए, हुआ क्या था, महावीर जब जिंदा थे, यानी कि जब महावीर जिंदा थे, तब ऐसा कोई कुछ नहीं था कि सब कुछ लिखा गया हो, सब कुछ मौखिक था। अब देखिए, जो मौखिक साहित्य था महावीर जैन का, यानी कि जो महावीर जैन की जो नॉलेज थी, जो उनका मौखिक साहित्य था, उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता था, जिसका नाम था भद्रबाहु। सब कुछ लिखा नहीं गया था। अब बाद में हुआ क्या कि भद्रबाहु की मृत्यु हो गई, ठीक है। भद्रबाहु की मृत्यु पर शूर्भद्र ने पाटलिपुत्र में एक महान परिषद की स्थापना की, जो पहली जैन परिषद थी, जो 3rd शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में आयोजित की गई। अब देखिए, महावीर की जो शिक्षाएं थी, जो महावीर का जो पवित्र साहित्य था, वो केवल भद्रबाहु ही जानता था, वो सिर्फ मौखिक था। तो जब भद्रबाहु की डेथ हो जाती है, तब अब जैन के बारे में, जैन धर्म के बारे में कुछ भी रिटन में नहीं है, कुछ भी राइटिंग में नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब महावीर की डेथ हो जाती है, फिर भद्रबाहु की डेथ हो जाती है, तो कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठ पड़ा कि अब जैन धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या करा जाए। तो स्थूलभद्र ने क्या किया, 3rd शताब्दी ईसा पूर्व में एक जो थी परिषद आयोजित की गई। अब इसके परिणाम स्वरूप देखिए, 14 पूर्वों को बदलने के लिए 12 अंक का संकलन हुआ। यहाँ किया गया है कि 14 पूर्व थे, उनको बदलने के लिए 12 अंक का संकलन किया गया, यानी कि जो 14 पूर्वा थे, ठीक है, जो 14 इनकी जो पूर्व थे, उनको बदल के 12 अंक बनाए गए कि ताकि इसको जैन धर्म के आगे चलाया जाएगा। अब देखिए, दिगंबर ने इसे खारिज कर दिया, घोषित किया कि मूल सब कुछ को चुका। अब देखिए, दिगंबर जो थे, जो देखिए दिगंबर का जो नेता कौन थे, ठीक है, भद्रबाहु, जब उनकी डेथ हो गई, तो दिगंबरों ने ये कहा कि अगर उनके जो भद्रबाहु, उनकी डेथ हो चुकी है, महावीर की डेथ हो चुकी है, तो मूल चीज़ तो खो ही चुकी है, तो उसे कैसे किस प्रकार रखा जाए, तो इन्होंने उसे खारिज कर दिया। तो इस प्रकार देखिए, नए शास्त्रों को तैयार करने के लिए एक महान आग्रह किया गया। तो उनसे यह आग्रह किया गया, देखिए कि सब कुछ अगर मौखिक रह जाएगा तो ऐसे जैन धर्म तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसे बचाने के लिए क्या किया जाएगा कि नए शास्त्रों का निर्माण किया जाएगा इसलिए। तो देखिए, फिर दूसरी काउंसिल होती है, यानी कि पहली काउंसिल में कुछ भी यहाँ पे कोई नतीजा या परिणाम नहीं निकला। जब दूसरी परिषद हुई, ये कब हुई थी, वल्लभी गुजरात में, तो 5वीं शताब्दी में देवरिद्धिगानी के नेतृत्व में हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप देखिए, 12 अंग और 12 उपअंगों का संकलन किया गया। अब देखिए, जो 12 अंग पहले परिषद में बनाए जाने वाले थे, अब वो कहाँ बने हैं, दूसरी परिषद में, और 12 अंग के साथ क्या है, 12 उपअंग भी बनाए गए। अब देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म उच्चतर बिंदु पर पहुँच गया था। अब देखिए, आपको एक फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो कौन थे, वो अशोक के दादाजी थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था, जबकि जो राजा अशोक थे, उन्होंने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म। तो आपके एग्ज़ाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि कौन से परिवार के 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने एक जैन धर्म बौद्ध धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म, और अशोका ने, यानी कि जो उनका पोता था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उनका आखिरी दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब देखिए, यहाँ पे उच्चतम बिंदु पर था। भारत में जैन धर्म के पतन के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार थे। उन्होंने अहिंसा की धारणा को बहुत दूर ले गए। उन्होंने सलाह दी कि बीमार होने पर किसी को दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दवा के डंक को मार देती है। उनका मानना था कि पेड़ों सब्जियों में जीवन था, और इसलिए उन्हें नुकसान से पहुँचाने से बचाना चाहिए। इस तरह की प्रथाएँ आम आदमी के लिए लोकप्रिय नहीं हो सकी। अब देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में ये पढ़ेंगे कि पहले तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सबसे उच्च चरम पर था, उच्चतम बिंदु पर था जैन धर्म।
तो उसके बाद क्या है कि देखिए यहाँ पे इसका पतन होना शुरू हो गया। कारण क्या था कि देखिए यहाँ पे कई तरह के भ्रम फैलाए जाने लगे। यहाँ पे ये कहा जाने लगा कि आप दवाई मत लीजिए बीमार हो जाएंगे तो, क्योंकि दवा से क्या है कीटाणु मर जाते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इसलिए पेड़ों सब्जियों में जीवन था तो लोग उन्हें खाने से भी कतराते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो अहिंसा महावीर जैन ने जो अहिंसा का जो पाठ पढ़ाते थे, तो उनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि अहिंसा को काफ़ी अपने से दूर ले गए, ठीक है। अहिंसा का जिक्र यहाँ पे नहीं किया जाता था। तो इनकी ऐसी जो बातें थी ये आम लोगों तक पहुँच नहीं पाई, यानी कि जब महावीर थे तब आम लोगों तक बातें इनकी पहुँचती थी, जब उनके बाद इनकी जो बातें लोगों तक पहुँची नहीं तो ये इसका पतन का कारण हो गया। देखिए बाद के राजाओं से संरक्षण का अभाव। अब देखिए जो बाद के राजा थे, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के जो राजा थे, मैंने को अभी बताया ना यहाँ पे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उस टाइम पे देखिए उन्होंने अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म को अपनाया। जब बाद के राजा आते गए तो उन्होंने उसे बंद कर दिया। हालांकि जो उनका बेटा था बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का, उन्होंने भी आजीविका सेक्ट को अपनाया था, ठीक है, आजीविका सेक्ट को अपनाया था जो जैन धर्म का ही था। तो जब उनका बेटा आया उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे इसका प्रसार जो है ख़त्म हो रहा है। अब जैन साहित्य देखिए दो 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 भाषाओं में था, अर्धमगधी और प्राकृत में, ठीक है। तो कोई कैसे समझ पाते कोई कैसे समझ पाते, इसलिए जैन धर्म के प्रभाव के कारण सौरा सैनिक की कई क्षेत्रीय भाषाएं सामने आई, जिनमें से मराठी गुजराती राजस्थानी कन्नड़ भाषाएं बढ़ी। अब देखिए जैन धर्म के प्रभाव के कारण क्या था कि कई भाषाएं आई, मराठी गुजराती ये सारी भाषाएं बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे क्या देखिए, अब आपको यहाँ पे ना फैक्ट बताऊँगा, बिल्कुल आप इसे ध्यान से देखिएगा। जैन धर्म से 24 तीर्थकर को माना जाता है। अब देखिए जैन धर्म जो थे ना उनके जो 24 तीर्थकर थे, आपको मैं उनके क्रमवाइज नाम बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं तीर्थकर के बारे में। पहले थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि आदिनाथ किन्हें कहा जाता है, तो ऋषभदेव को कहा जाता है। कई बार ऋषभनाथ आ जाता है, कई बार ऋषभदेव आ जाता है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, एक ही बात है। फिर थे दूसरे अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन जी, सुमितनाथ, पद्म प्रभु जी, सुपार्श्वनाथ, चंदा प्रभु जी, सुविधिनाथ, जिन्हें पुष्पदंत भी कहा जाता है। आपको कुछ पूछ सकते हैं बताइए कि पुष्पदंत कैसे कहा जाता है। शीतलनाथ जी, श्रेयसनाथ जी, वासुपूज्य जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ जी, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत जी, नमीनाथ, नेमीनाथ जी, अरिष्टि नेमी, जिन्हें नेमीनाथ भी कहा जाता था, ठीक है। जैन मान्यताओं में ये नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि जैन मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के चचेरे भाई, नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई कौन थे, तो वो थे अरिष्टि नेमी, जिन्हें नेमीनाथ भी कहा जाता था। उसके बाद पार्श्वनाथ, फिर वर्तमान महावीर जैन जो सबसे मशहूर हैं, ठीक है। अब देखिए जो 23 और 24 नंबर के हैं पार्श्वनाथ वो महावीर जैन, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो बाकी जो ऊपर के 22 हैं इनके बारे में कोई इतिहास हालांकि नहीं मिलता। अब देखिए वर्धमान महावीर को वर्धमान, सरमति, वीर, अतिवीर भी कहा जाता है। अब देखिए ऋषभदेव, अरिष्टि नेमी आदि तीर्थकों का उल्लेख ऋग्वेद में बहुलता से मिलता है, यानी कि अगर आप ऋग्वेद की बात करें तो आपको यहाँ पे ऋषभदेव के बारे में, अरिष्टि नेमी के बारे यहाँ पे आपको अरिष्टि नेमी के बारे में या ऋषभदेव के बारे में काफ़ी कुछ मिलेगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताइए किन देवताओं, महावीर जैन के जो तीर्थकर हैं किनके बारे में ऋग्वेद में मिलता है, जिससे यह स्वस्थ सिद्ध होता है कि वेदों की रचना के पहले जैन धर्म का अस्तित्व भारत में था। अब देखिए इससे ये सिद्ध होता है, अगर देखिए ऋग्वेद कब लिखा गया था, ऋग्वेद देखिए 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया था, तो आप देखिए कि अगर उसमें यहाँ पर जैन धर्म के ऋषभदेव का यहाँ पर नाम आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो जैन धर्म है वो वेदों से पहले का हो सकता है ना, वेदों के पहले से अस्तित्व उसका हो सकता है भारत में। विष्णु पुराण में भी देखिए कि ऋषभदेव मनुस्मृति में जिन, यानी कि ऋषभदेव, स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि में 22वें तीर्थकर अरिष्टि नेमी का उल्लेख हुआ है। हम कहते हैं कि जैन धर्म बाद में आया, पर देखिए कि आप अगर वेदों में इनका जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि उनका अस्तित्व जो था वो पहले से ही था। जैन धर्म की सिद्धांत देखिए, जैन धर्म में देखिए अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है, ठीक है। सब जीव जानते हैं कि मरना, देखिए जहाँ पे अहिंसा का मतलब बताया गया है कि किसी को हानि ना पहुँचाना। दूसरा सिद्धांत है कर्म का, देखिए महावीर ने बार बार कहा है कि आप जैसा कर्म करोगे, ठीक है,
वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो देखिए जो आजीविका सेक्टर है वो भी इससे संबंधित है, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके बेटे जो बिंदुसार ने अपनाया था कि इंसान का कर्म है उसे ही उसका फल मिलता है। अब देखिए आप अच्छा कर्म करेंगे बुरा कर्म करेंगे तो आप उसका फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य जो प्राप्त करता है उसे उसका ही ठीक है भाग्य स्वयं ही उसका आता है। तो ये कर्म का सिद्धांत है। अब देखिए जैन में क्या है, जैन धर्म क्या है, ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं माना गया। जैन धर्म में कभी भी ये नहीं कहा गया कि संसार को बनाने वाला ईश्वर है। तप आदि सत्कर्मों द्वारा आत्म विकास की सर्वोच्च अवस्था को ही ईश्वर बताया गया है। अब यहाँ पे ईश्वर किसे बताया गया है, पहली बात देखिए यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ईश्वर को जगत का कर्ता है, ईश्वर ने जगत को नहीं बनाया। यहाँ पे ये है कि जो सत्कर्म है, सत्कर्म द्वारा जो आत्मविश्वास हुआ है उसकी अवस्था को ही ईश्वर बताया जाता है। यहाँ नित्य एक अथवा मुक्त ईश्वर को अथवा अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पे अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया गया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहंतीय, अंतराय, आयु, नाम और गोत्र, इन आठ कर्मों का नाश होने से जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और वह ईश्वर बन जाता है तथा रोग द्वेष से मुक्त हो जाने के कारण वह सृष्टि के प्रपंच में नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे ये जो आठ कर्म बताए गए ना, यहाँ पे ये बताया गया कि अगर ये इस बंधन से मुक्त हो जाए तो वह स्वयं ही ईश्वर बन जाएगा। अब देखिए सात तत्व कौन से हैं, ठीक है सात तत्व, मैंने आपको आठ कर्म बताए थे, अब आपको मैं सात तत्व बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जैन धर्म में सात तत्वों का वर्णन मिलता है। ये कौन से हैं, जीव, पहला है जीव, यानी कि जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है, आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है। अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि जैन धर्म के अनुसार सात तत्वों में से कौन सा तत्व है या नहीं है। देखिए जीव यहाँ पे इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, आत्मा के लिए। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि जैन धर्म में जीव शब्द का प्रयोग जो है वो किस के लिए किया गया है, वो आत्मा के लिए किया गया है। अजीव, जड़ या अचेतन द्रव्य को अजीव अजीव कहा जाता है, यानी कि जड़ को कहा जाता है अजीव। अस्त्रव, देखिए पुदल कर्मों का अस्त्रव करना, बंध यानी कि आत्मा से कर्म बंधना, यानी कि जो हम काम करते हैं वो हमारे आत्मा से बंधा हुआ है। समर यानी कि कर्म बंधन को रोकना, निर्जरा यानी कि कर्मों को क्षय करना, और मोक्ष यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। तो ये देखिए सात हैं, ये जो सात तत्व हैं। नेक्स्ट है व्रत। अब देखिए जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म में श्रावक और मुनि दोनों के लिए पांच व्रत बताए गए हैं, ठीक है, चाहे श्रावक है चाहे मुनि है, ठीक है, उनके लिए क्या है, पांच व्रत बताए गए हैं। तीर्थकर आदि महापुरुष जिनका पालन करते हैं वह महाव्रत कहलाते हैं, यानी कि तीर्थकर जो महापुरुष है, ठीक है, तीर्थकर आदि जो हैं महापुरुष जिनका पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, महाव्रत, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अहिंसा यानी कि किसी जीव को ना मारना, पीड़ा ना पहुँचाना, हानियाँ पहुँचाना, वो है अहिंसा, ठीक है, पांच व्रत में ही आएगा अहिंसा। सत्य आएगा यानी कि सच बोलना हमेशा। अस्तेय का काम मतलब है कि बिना दी ही वस्तु को ग्रहण करना। ब्रह्मचर्य यानी कि मन वचन कार्य को मैथुन कर्म का त्याग करना। ब्रह्मचर्य यानी कि आप ब्रह्मचारी बन के रहिए, शादी नहीं करवाना। अपरिग्रह क्या है, पदार्थों के प्रति ममतव स्वरूप का परिणाम का बुद्धिपूर्वक त्याग, यानी कि आपको किसी चीज़ से लगाव नहीं रखना। अब देखिए त्रिरत्न, यहाँ पे त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन में क्या आता है कि जो सम्यक दर्शन को प्रताने के लिए तत्व निर्णय की साधना करनी चाहिए। तत्व निर्णय में इस शरीर आदि से भिन्न एक अंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, मैं एक शरीर आदि से भिन्न एक अंड अविनाशी चैतन्य तत्व भावना भगवान आत्मा हूँ, यह शरीरवादी मैं नहीं और यह मेरे नहीं। सम्यक दर्शन में क्या है कि जो आपका जो दर्शन जो आपकी फिलॉसफी है, जो आपका दर्शन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। सम्यक का मतलब यहाँ पे सही है, यानी कि जिस काम को आप दर्शा जो आप समझ रहे हो वो सही है। सम्यक ज्ञान यानी कि जो आपकी नॉलेज है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। सम्यक चरित्र का क्या मतलब है कि जो आपका करैक्टर है वो बहुत सही होना चाहिए, वो नैतिकता से पूर्ण होना चाहिए। अब देखिए दिगंबर श्वेतांबर की आपसे बात कर चुका हूँ। दिगंबर में देखिए दिगंबर वो हैं जो कपड़े नहीं पहनते थे, जो पूरे आसमान को अपने कपड़े समझते थे, वो है दिगंबर। तो जिनके जो लीडर थे, जो नेता थे, वो कौन थे, वो इनके हेड थे भद्रबाहु, ठीक है।
अब देखिए, जो दिगंबर थे वो तीन भागों में विभक्त थे, तारण पंथ, दिगंबर तेरह पंथ और बीस पंथ। ये कौन थे? ये दिगंबर जो थे वे ये तीन भागों में विभक्त थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है श्वेतांबर। श्वेतांबर देखिए जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, श्वेतांबर दो भागों में विभक्त थे। यहाँ पर देखिए, अगर जहाँ पे दिगंबर जो हैं वो तीन भागों में विभक्त हो रहे हैं और श्वेतांबर दो भागों में विभक्त हो रहे हैं। देखिए पहला है देरावासी, ये कौन है? ये तीर्थकरों की प्रतिमाएं की पूजा करते हैं, यानी कि जो तीर्थकर हैं उनकी ये मूर्ति पूजा करते हैं। स्थानकवासी ये मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि साधु संतों को ही पूजते हैं। दिगंबर आचार्यों द्वारा समस्त जैन आगम ग्रंथों को चार भागों में बांटा गया। अब देखिए जो दिगंबर हैं, जो दिगंबर आचार्य हैं, उनके द्वारा जो समस्त जैन हैं उनको चार भागों में ग्रंथों में बांटा गया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रवेणुयोग। अब देखिए तत्वार्थ सूत्र क्या है? सभी जैन धर्म द्वारा स्वीकृत ग्रंथ। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि सभी जैन द्वारा स्वीकृत ग्रंथ कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र। अब देखिए यहाँ पे हमने दिगंबर ग्रंथ यहाँ पे चार भागों के बारे में बात की है। यहाँ पे आपको मैं प्रमुख ग्रंथों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको जैन धर्म के क्या है आगम ग्रंथों के बारे में बताया जो चार भागों में बटा था। अब आपको मैं सूची बताऊँगा दिगंबर ग्रंथ के बारे में। प्रमुख देखिए जैन ग्रंथ कौन से हैं? शटक, षट, खंडागम, ठीक है, ये मूल आगम ग्रंथ हैं। आचार्य कुनकुन द्वारा विरचित ग्रंथ, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, रतनकंड, श्रवाचार, पुरुषार्थ सिद्ध। फ्रेंड्स आप इसे ऐसे पढ़ लीजिए तो देखिए ये ग्रंथों के नाम है, अगर मेरे से ये थोड़ा सा यहाँ से इधर उधर मेरे से ग्रंथ का नाम गलत बोल हो गया तो ठीक है, तो आप ही इसे ऐसे पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नीचे कर देता हूँ इसको ऐसे ही, ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़िए पढ़िए, क्योंकि देखिए ये पवित्र ग्रंथ है, अगर मुझसे थोड़ा सा गलत पढ़ हो गया तो ठीक है, आप इसे ऐसे पढ़िए। देखिए ये श्वेतांबर ग्रंथ है। नेक्स्ट कल्पसूत्र, ठीक है, श्वेतांबर ग्रंथ है कल्पसूत्र। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि कल्पसूत्र किसका ग्रंथ है? वो श्वेतांबर ग्रंथ है। अब देखिए इनके हैं त्यौहार, त्यौहार इनके प्रमुख हैं, ठीक है, पंच कल्याणक, महावीर जयंती, परशुवेण, ऋषि पंचमी, जैन धर्म में दीपावली, ज्ञान पंचमी और दश लक्षण धर्म। तो फ्रेंड्स ये थे इनके त्यौहार। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।